आज हम बात करने वाले हैं आरटीडी की बाय यूजिंग दी वर्चुअल लैब। बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल होगा। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक की बात कर लेते हैं। आरटीडी स्टैंड्स फॉर रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। आरटीडी इज अ सेंसर एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज रेसिस्टेंस थर्मोमीटर एंड दिस इज बेसिकली यूज टू मेजर द टेम्परेचर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकती हैं। सो वी कैन यूज दिस इन मिलिट्री एंड एरोस्पेस एंड इन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फूड हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग। ऑल्सो वी कैन यूज दिस इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल्सो इन ऑटोमोटिव। सो गाइज, दिस इज द इंटरफेस फॉर दी वर्चुअल लैब। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि लेवल वन इज स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स। सो दीज आर द कंट्रोल पैनल्स। सो सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है, मटेरियल करना है सिलेक्ट। लेट्स से कि मैं चूज कर लेता हूँ दिस वन प्लैटिनम एंड द वैल्यू ऑफ एल्फा। एल्फा इज नथिंग बट द कोफिशियंट ऑफ टेम्परेचर 0.00385 एंड दिस विल बी डिफरेंट फॉर ईच मटेरियल। जैसे कि मैं सिलेक्ट करता हूँ कॉपर, तो कॉपर के लिए एल्फा का वैल्यू डिफरेंट होगा। आर नॉट इज द वैल्यू ऑफ आर एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सो यू हैव टू सिलेक्ट दिस 100 एंड यू हैव टू गेट द टेम्परेचर। लेट से द टेम्परेचर वैल्यू इज 788 डिग्री सेल्सियस एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर टी। सो दोस्तों, आप आर टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये जो फॉर्मूला है इसको रेफर करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यू कैन सी द इक्वेशन आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू डेल टी। सो इस फॉर्मूले को हमको यूज करना है और आर टी का वैल्यू फाइंड करना है। सो गाइज, हेयर यू कैन सी द फॉर्मूला। सो फॉर्मूला को यूज कैसे करना है, यू कैन सी द वैल्यूज कि आर नॉट का वैल्यूज है हमारे पास 100 और एल्फा का वैल्यूज आपको गिवन है 0.00385 फॉर प्लेटिनम एंड द वैल्यू ऑफ टी इज 788 डिग्री सेल्सियस एंड टी रेफरेंस इज नथिंग बट द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। हेयर यू कैन सी वी हैव टेकन आर नॉट, सो दैट मीन 0 डिग्री सेल्सियस। सो गाइज, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी और इस वैल्यू को आपको पुट कर देना है यहां पर। सो दोस्तों, मैंने इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दिया है और आपको सबमिट करना है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस वैल्यू को पुट करेंगे, दिस विल से कि ये वैल्यू आपका करेक्ट है। ओके, इसी तरीके से आपको दूसरा टेम्परेचर लेना है एंड देन फिर थर्ड टेम्परेचर लेना है और फिर आरटी का वैल्यू फाइंड करना है। इसी तरीके से आपको दो या तीन वैल्यूज आपको लेनी है एंड देन योर प्लॉट विल बी एक्टिवेटेड। सो दोस्तों, दूसरा वैल्यू हम ले लेते हैं 85 डिग्री सेल्सियस पर आपको आरटी का वैल्यू फाइंड करना है। सो गाइज, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 132.72। इस वैल्यू को आपको सिंपली पुट करना है और फिर आपको सबमिट करना है। सो गाइज, जैसे आपने देखा कि दिस वैल्यू इज करेक्ट, आपको तीसरा वैल्यू भी फाइंड करना है। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। सो गाइज, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी और इस वैल्यू को आपको सिंपली पुट करना है यहाँ पे 337.93 और सबमिट करना है। सो हेयर यू कैन सी आफ्टर पुटिंग थ्री वैल्यूज दिस प्लॉट इज अवेलेबल। सो सिंपली आपको प्लॉट करना है। सो दोस्तों, आपके पास प्लॉट आ चुका है और प्लॉट को आप देख सकते हैं कि दिस इज अ लीनियर प्लॉट। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे आर का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो दोस्तों, उस प्लॉट के बाद आपको लेवल टू पे क्लिक करना है। तो लेवल टू में आपको सिलेक्ट करना है बेयर विडशीट एंड देन थर्मोवेल एंड ऑल द वैल्यूज, ऑल द पैरामीटर्स यू हैव टू फिल। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बेयर एंड देन ओके, देन क्लिक ऑन दिस। यू हैव टू सिलेक्ट द मटेरियल। मटेरियल कर रहा हूँ सिलेक्ट SS304 एंड देन थिकनेस 0. सो द वैल्यू ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो गिविन थर्मोवेल। सिलेक्ट ऑल द पैरामीटर्स एंड देन प्लॉट।
सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो थर्मोवेल है इट इज टेकिंग मैक्सिमम टाइम फॉर दिस टेम्परेचर एंड बेयर एंड विथ शीट आर टेकिंग वेरी लेस टाइम. सो दिस इज द प्लॉट. सो इन दिस मैनर यू हैव स्टडीड द डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आरटीडी. सो गाइज दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.